हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सर्वन लेक्चरर। ये क्लास 10 साइंस में जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% यहां से आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे क्लास 10 फिजिक्स में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना। देखो, न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले आप लोग ये पेपर में देखो, बोर्ड एग्जाम का पेपर है। यहां देख सकते हो नंबर का न्यूमेरिकल आया हुआ है, ठीक है, और ये आपका न्यूमेरिकल है अवतल दर्पण का। फिर आप लोग देख सकते हो फिजिक्स के पेपर में कितना न्यूमेरिकल है, यहां उत्तल लेंस का एक न्यूमेरिकल आया हुआ है 2 नंबर का, अथवा ये आप लोगों का जैसे मानव नेता तथा रंग बिरंगा संसार का एक न्यूमेरिकल 4 नंबर का। देखो कितने सारे न्यूमेरिकल्स कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान से समझना। अथवा ये देख सकते हो आपका अवतल लेंस का न्यूमेरिकल। फिर यहां आप लोग देखो, ये आपका आया है कितना, 4 मार्क्स का, या फिर से आप देख सकते हो 4 नंबर का न्यूमेरिकल। मतलब न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, ठीक है। यहां आप लोग देखो 7 नंबर में देख सकते हो, ये भी न्यूमेरिकल है, अथवा लगा हुआ है, ये भी न्यूमेरिकल है। मतलब पूरा फिजिक्स न्यूमेरिकल से ही भरा हुआ है। इसलिए आज मैं आप लोगों को साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो बताने वाला हूं, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल आप लोग देखो, मैं आप लोगों को सबसे पहले दर्पण का न्यूमेरिकल बताऊंगा, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद आप लोगों को इसको बिल्कुल रिवीजन ही करके जाना है, ठीक है। आप लोग देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है किसी उत्तल दर्पण, आपको यह पता है कि यह क्या है, उत्तल दर्पण है, से कोई बिंब या फिर इसे वस्तु कह सकते हो 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन में क्या करना है, दर्पण का फार्मूला आप लोगों को पता ही होगा, सबसे पहले आप लोग हल हेडिंग डाल देना, फिर आप लोगों को जो दिया है उसको लिख लो। लाइक यहां आपको क्या क्या दिया है, दिया है क्या क्या दिया है, यहां से F, F बराबर आपको कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, आपका उत्तल दर्पण है तो इसलिए यहां आपकी फोकस दूरी प्लस में होगा, ठीक है, इतना आप ध्यान रखना। और U जो आप लोगों को दिया हुआ है, U बराबर आपका कितना दिया हुआ है, आपको यहां जो U होगा -10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि U जो होता है वो ऋणात्मक होता है, ठीक है, सब में ऋणात्मक होता है। और V हमें ज्ञात करना है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना। अब आप लोग सूत्र देखो, दर्पण का सूत्र, ठीक है, दर्पण के सूत्र से, अब दर्पण का सूत्र आप लोगों को पता होगा, दर्पण का सूत्र जो होता है वो आप लोगों का होता है 1/, ठीक है, 1/ आप लोगों का F बराबर 1/V प्लस 1/U, ठीक है, ये होता है। अब यहां से हमें क्या ज्ञात करना है, यहां से हमें V की वैल्यू ज्ञात करनी है, किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, V की। तो अगर हमें V की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे कि 1/V को इधर लिख देंगे, ठीक है, और इधर हम क्या करेंगे, लाइक हमें 1/V मैंने इधर लिख दिया जो हमें ज्ञात करना है, तो यहां आपका 1/F है, इधर 1/F, और इसको इधर मान लो ट्रांसफर किया तो 1/U हो जाएगा, ठीक है, 1/F और -1/U होगा, ठीक है, ध्यान से समझना। ये मैंने V को इधर ट्रांसफर कर लिया है, इतना आपको समझ में आया। अब आप समझो, यहाँ वैल्यू रख दो, हमें V की वैल्यू ज्ञात ही करनी है, 1/F की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड यहाँ -U की वैल्यू है हमारा -10 सेंटीमीटर, यही है ना, तो इतना आप लोगों का है, यहां आप लोगों का ये। अब आप लोग ध्यान से समझो, यहां आप लोगों का जो होगा ना, यहां आप लोगों का 1/V एंड यहां 1/15, और ये आप लोगों का माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, अब ये आप लोगों का माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/10। यहां से इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इसका होगा 1/V लिखे रहने दो, एलसीएम होगा आपका 30 एलसीएम हो जाएगा, तो 50 2 जा 30, ठीक है, 15 2 जा 30 एंड 10 3 जा 30, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/V बराबर 5/30, ओके। अब आप ध्यान से समझो, यहां से मैं इसे कट कर देता हूं, 1/6 हो जाएगा, एंड यहां से अगर V की वैल्यू देखा जाए तो यहां आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, V की वैल्यू आपकी आएगी 6 सेंटीमीटर, तो यहां से जो V की वैल्यू आई यही हमारा 6 सेंटीमीटर है। NCERT का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहां से आपका 6 सेंटीमीटर आया, इतना आपको तो बिल्कुल पता ही चल गया जितना चीजें मैंने आपको समझाया है, ओके। अब आप लोग यहां क्या समझना है, अतः प्रतिबिंब जो है ना दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूर प्राप्त होगा। मैं सारी चीजें बता देता हूं, अतः
जो हमारा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे। देखो दर्पण के पीछे प्राप्त हुआ इसीलिए ये प्लस में प्राप्त हुआ, ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना। दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर ठीक है दूर प्राप्त हुआ, दूर प्राप्त होगा तथा कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा, तथा आभासी होगा ना, आभासी और सीधा होगा। ये न्यूमेरिकल एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझा दिया। आई होप कि बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को ये बिल्कुल रिवीजन कर लेना है, भले ही छोटा है लेकिन बोर्ड एग्जाम में आप प्लस माइनस इन सब में गलती मत करना, वरना फिर आपका पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो ये हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो कि आप लोगों का उत्तल दर्पण का है। अब दर्पण से रिलेटेड न्यूमेरिकल आए तो आप लोगों को ऐसा लगाना, अगर यहाँ उत्तल दर्पण से आए आपको ये 15 की जगह 20 कर दे, 25 कर दे, 30 कर दे, तो भाई सूत्र तो यही रहेगा, चाहे आपका उत्तल दर्पण हो और चाहे आपका अवतल दर्पण हो। आप लोग गलती कहाँ करोगे कि यहाँ एफ जो होता है ना आपका उत्तल दर्पण में आपका प्लस होता है और अवतल दर्पण में जो आप लोगों का एफ होता है वो माइनस होता है, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखना, थोड़ी सी चिन्ह पटपाटी के बारे में अगर पता होगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन सारा लग जाएगा। ओके, अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन जो हमारा दूसरा। तो ये आप लोगों का दूसरा नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है जो बोर्ड परीक्षा में 4 मार्क्स का काफी बार पूछा गया है, कई साल पूछा गया है, ठीक है, मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका ये न्यूमेरिकल हार्ड भी है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस दूरी आपका कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, वाले उत्तल लेंस, ध्यान रखना ये हमारा क्या है उत्तल लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर, 20 सेंटीमीटर दूर और 10 सेंटीमीटर लंबी, मतलब 10 सेंटीमीटर लंबी है और 20 सेंटीमीटर दूर है, एक मोमबत्ती रखी गई है, एक मोमबत्ती रखी गई है, लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति प्राकृत लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब आपका ये न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसको आप लोग बहुत आसानी से हल कर सकते हो। सबसे पहले आप लोगों को जो दिया है उसे लिख डालो, ठीक है, यहां आपको जो दिया है, जैसे हमें यहां क्या क्या पता है, यहां हमें दिया है क्या क्या दिया है, पहला हमें यू दिया हुआ है, ठीक है, यू यू आपका कितना दिया हुआ है, यू हमें दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर, प्लस में है लेकिन आपका उत्तल लेंस में, मतलब ये जो होता है ना ये आप लोगों का वस्तु की दूरी, ये आपका माइनस में होता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये आपके समझ में आया, ये आप लोगों का जैसे आपका अवतल लेंस हो, उत्तल लेंस हो, अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, सब में माइनस होता है। एंड यहाँ आप लोगों का एफ जो है, एफ की वैल्यू जो है ना वो बराबर है आप लोगों का 10 सेंटीमीटर, एफ की वैल्यू यहाँ देख लो 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ आपका 10 सेंटीमीटर लेकिन प्लस में रहेगा क्योंकि ये आपका उत्तल लेंस है, ठीक है। एंड यहाँ आप लोगों का जो वी है वो हमें ज्ञात करना है, वी क्या करना है, ज्ञात करना है। ओके, अब आप लोग यहाँ लेंस का सूत्र एक जानते होंगे, देखो एक मैंने अभी आपको जस्ट दर्पण का सूत्र बताया, अब लेंस के सूत्र से, मतलब यहाँ लेंस का सूत्र लगाना है, इतना याद रखना। लेंस का सूत्र जो आप लोगों का होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v एंड -1/u, ठीक है, 1/u। अब जो जो चीजें आपको पता है उसकी वैल्यू रख दो, लाइक इस हमारा यहाँ 1/f की वैल्यू कितना है 10 है, एंड यहाँ में बराबर 1/v और यहाँ माइनस हमारा 1/u की वैल्यू -20 है। ओके, एंड यहाँ हमारा 1/10 जो होगा वो बराबर होगा 1/v और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/20। ओके, अब यहाँ से आप ध्यान से समझना, इस चीज को मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये हमारा 1/v के बराबर हो जाएगा, तो 1/v अगर इसके बराबर होगा तो चाहे मैं इसको आगे भी लिख दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1/v रहेगा, ठीक है। यहाँ का 1/10 है और इसको मैं इस साइड में ट्रांसफर करूंगा तो ये हमारा -1/20 हो जाएगा, इतना ध्यान रखना। अब इसका हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 20, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो यहाँ आपका 10 2 जा आपका 20 होता है, यहाँ 21 जा 20, तो यहाँ आप लोगों का 1/v जो होगा वो बराबर होगा 1/20 के,
और यहाँ जो हमें वी की वैल्यू मिलेगी, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे ना, तो यहाँ हमें मिलेगा 20 सेंटीमीटर। बस यही हमारी वैल्यू हो जाएगी ना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये हमारा हो गया 20 सेंटीमीटर। अब आपको और सारी चीजें बतानी है आपको इसके, मतलब यहां देखो आप लोगों को इसकी स्थिति, प्रकृति तथा लंबाई सारी चीजें बतानी है। तो यहां मैंने सबसे पहले v की वैल्यू अगर आपको पता चल ही गया तो आप सारी चीजें पता चल जाएगा, चूंकि v का मान क्या है, धनात्मक है, मतलब यहां v की वैल्यू क्या है, धनात्मक है, देख सकते हो 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अतः जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस के दूसरी ओर बनेगा। जब दूसरी ओर बनेगा ना तभी ये प्लस है, ठीक है, ये हमारा हो गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीका से। अब यहां हमें इतना चीजें समझ में आ गई, लेकिन अभी हमें लंबाई भी ज्ञात करना है, जो प्रतिबिंब की लंबाई है। देखो हमें वस्तु की लंबाई तो दी हुई है, कितना, 10 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि आवर्धन से आप प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करो। तो यहां आवर्धन जो होता है ना, आवर्धन एम बराबर जो होगा आई अपान ओ बराबर आप लोगों का वी अपान यू। ठीक है, अब यहां आप लोगों का आई क्या दिया हुआ है, आई हमें ज्ञात करना है प्रतिबिंब की लंबाई, और ओ हमारा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहां वी की वैल्यू हमारी आई है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड यहां यू की वैल्यू हमारी -20 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां से -1 हो जाएगा, और यहां से अगर आई देखा जाए तो आई हमारा -10 सेंटीमीटर मिलेगा, यानी कि हमारी यहां से प्रतिबिंब की लंबाई -10 सेंटीमीटर मिल गई। समझ में आया, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहां देखो मैं लिख देता हूं थोड़ी सी चीज जो कि आप लोगों को लिखना है, प्रतिबिंब कितना है, 10 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर लंबा। अब देखो ये आपका माइनस में मिला है, इसलिए अगर लंबा है तो बनेगा, मतलब 10 सेंटीमीटर लंबा, तथा देखो माइनस में है इसलिए उल्टा बनेगा वास्तविक होगा, क्या होगा, वास्तविक होगा। बस ये आपका हो गया न्यूमेरिकल, मतलब ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये न्यूमेरिकल बिल्कुल रिवीजन ही कर लेना है, बार बार आपको कोशिश करना है लगाने का। तो ये है आपका एक न्यूमेरिकल, जो कि दूसरा नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है। अब हम लोग अगला न्यूमेरिकल देखेंगे, तीसरा नंबर आप लोग न्यूमेरिकल देखो, ये आप लोगों को कुछ अलग टाइप का न्यूमेरिकल लग रहा होगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, और सरल भी है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, कोई निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है का दूर बिंदु जो है नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर पर है। उसका जो दूर बिंदु है ना, मतलब दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर पर है, और इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति क्या होगा। ध्यान से समझना, सबसे पहले आपका निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहां से आप लोगों का निकट दृष्टि दोष है ना, यहां आपसे निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब अवतल लेंस में आपको पता है, जैसे यू का मान आपका ऋणात्मक होता है, वी की वैल्यू आपका यहाँ, मतलब आपको वी की वैल्यू ये दिया हुआ है, मतलब 80 सेंटीमीटर दूर बनता है ना, उसका प्रतिबिंब 80 सेंटीमीटर दूर बनता है, और यहाँ यू की वैल्यू आपका अनंत है, क्योंकि आप लोगों का जो है ना, मतलब निकट दृष्टि दोष में आप लोगों को यू की वैल्यू इनफाइनाइट रखना है। तो यहाँ आप लोग सबसे पहले देखो, बहुत आसान सा है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, हल देख लो, हल में आप लोग समझो, जैसे इस दोष जो आप लोगों का निकट दृष्टि दोष है, इस दोष से नहीं, इस दोष के निवारण के लिए
देखो आपका निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का चश्मे का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना ठीक है। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं ठीक है। ये हमारा हो गया। अब आप लोग यहां से समझो, यहां से आपको क्या क्या दिया हुआ है। यू, यू की वैल्यू आप लोगों का क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि वो इनफाइनाइट तक देख सकता है, लेकिन यहां ऋणात्मक इनफाइनाइट होगा। एंड आप लोगों का और क्या है, यू की वैल्यू, यू की तो आपको पता चल गया। वी की वैल्यू देखो, वी वी की वैल्यू आपको पहले से पता है, यहाँ 80 सेंटीमीटर, लेकिन अवतल लेंस में जो आप लोगों का होता है ये आप लोगों का ऋणात्मक होता है, क्या आपका जो ये होता है ना प्रतिबिंब। और यहां हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है, एफ की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है ठीक है। यहां हमें क्या ज्ञात करना है, एफ की वैल्यू ठीक है। तो ये आप लोग कैसे लगाओगे ध्यान से समझना। तो लेंस का फार्मूला तो आपको पता ही है, सूत्र मतलब अवतल लेंस है तो लेंस का फार्मूला वन अपान, आप लोग जैसे वन अपान एफ बराबर वन अपान वी माइनस वन अपान यू। हमें वन अपान एफ की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो वन अपान एफ जो होगा वो बराबर होगा वन अपान वी, वी की वैल्यू हमारा कितना है माइनस 80 सेंटीमीटर, और यहां से हमारा माइनस, और ये आप लोगों का माइनस इनफाइनाइट है। ये ध्यान रखना एक बात कि आप लोग जैसे यहां आप लोग और एक चरण ले चलो, वन अपान 80 माइनस ऊपर कर दो, यहां आप लोगों का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन इनफाइनाइट। अब देखो इसकी वैल्यू आप लोगों का मतलब वन बटे इनफाइनाइट की क्या होती है, जीरो होती है, तो इसलिए आप लोग इसको हटा दो, ये केवल अब आप लोगों को ये जीरो हो गया तो इसका अस्तित्व खत्म है। अब यहां आपका माइनस वन अपान 80 केवल बचेगा, कितना बचेगा वन अपान 80, तो यहां से एफ की वैल्यू जो होगी ना वो माइनस आप लोगों का 80 सेंटीमीटर है, लेकिन सेंटीमीटर में है। अब इसको अगर आपको मीटर में चेंज करना है तो आप लोग 100 से भाग दे देना तो आपको 0.8 मीटर मिल जाएगा। ये हमारी मीटर में वैल्यू है और ये हमारा सेंटीमीटर में वैल्यू है, दोनों सही है ठीक है। यहां से आप लोगों को फोकस दूरी ये मिला, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, ये हमारी फोकस दूरी है, बस यही हमें ज्ञात करना था। आपका सारा क्वेश्चन हो चुका है। ये हमारा एक आसान सा क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का। अगला न्यूमेरिकल देखो, एक परिपथ का न्यूमेरिकल देखो। मैंने आप लोगों को कई सारे परिपथ वाले न्यूमेरिकल्स लगवाए हैं ठीक है, कई सारे वीडियोस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है। ये आप लोगों का कुछ अलग टाइप से है परिपथ वाला न्यूमेरिकल, इससे पहले मैंने आप लोगों को 2-3 न्यूमेरिकल लगवा दिया था अगले वीडियो में, अगर वो वीडियो देखना है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें कई सारे मैंने परिपथ का न्यूमेरिकल लगवाया था ठीक है। तो अब हम लोग एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से समझना। परिपथ वाला न्यूमेरिकल है, आपके बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स में भी पूछ सकता है ठीक है। लिखा हुआ है निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए, सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध परिपथ में धारा जो कुल धारा है, एंड यहां तीसरा ए तथा वी के बीच विभवांतर, यहां ए और वी के बीच हमें विभवांतर भी ज्ञात करना है। परिपथ देखो यहाँ आपका 2 मतलब वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये हमारा ए बिंदु है, ये वी बिंदु है, यहाँ आपका 4 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, देख लो ये प्रतिरोध है जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। एंड फिर नीचे आप लोगों का 1-2 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, ये भी 2 ही ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा काफी अच्छी तरीका से। अब यहां आप लोग देखो, ये आप लोगों का 2 ओम और 2 ओम का प्रतिरोध कैसा लग रहा है, श्रेणी क्रम में ना लाइन से जुड़े हुए हैं। तो अब आप लोग हल में समझो बहुत आसान तरीके से। यहां आप लोग पहला जो हमें मतलब तुल्य प्रतिरोध पहले हम लोग याद कर लेते हैं, तो यहां 2 ओम जो है, 2 ओम तथा 2 ओम ठीक है के प्रतिरोध किसमें है, श्रेणी क्रम में है ठीक है। अब श्रेणी क्रम का मतलब है कि यहां जो आप लोगों का इन दोनों को साथ में जोड़ दो, लाइक मैंने यहां आर डैश मान लिया, फिर आर वन मान लिया, यहां आपका 2 ओम और प्लस आप लोगों का 2 ओम हो जाएगा, तो यहां से जो आप लोगों को मिलेगा वो मिलेगा 4 ओम, क्या मिलेगा 4 ओम। तो यहां से अभी हमें पूरा प्रतिरोध नहीं मिला है, अभी तो मैंने केवल इन दोनों को जोड़ा है, तो यहां से हमें इतना मिला। अब आप लोगों को जो ये 4 ओम मिला हुआ है ना, ये वाला 4 ओम ठीक है, ये 4 ओम और ये जो आपका 4 ओम है, यहां कहीं मिलेगा ये भी इसके बीच में, तो ये दोनों क्या हो गए, समांतर क्रम में हो गए ना, एक दूसरे के समांतर ऊपर नीचे हैं, देख सकते हो, तो ये दोनों समांतर ऊपर नीचे हो। तो
अब आप लोगों का ये दोनों क्या हो गया, समांतर हो गया। अब यहां आप लोगों को लिखना क्या है ये ध्यान से समझना, यहां से जो आप लोगों का अब परिपथ में, अब जो आप लोगों का परिपथ है, परिपथ में 4 ओम, ठीक है, 4 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध क्या है, समांतर क्रम में लगे हैं। समांतर क्रम का मतलब आपका है कि आप लोगों को अभी पता चल जाएगा, देखो मैंने इसका डेरिवेशन किया है तो आप लोग देखना जरूर, ठीक है। ये आप लोगों का 1/r हो जाएगा बराबर कितना, ये आप लोगों का 1 है 1/4, 1 भी आपका 1/4 है, ये आप लोगों का 1/r हो जाएगा बराबर, इसकी आपका एलसीएम 4 हो जाएगा और यहाँ आपका मतलब ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/4, यहाँ से कट के 1/2 हो जाएगा और यहाँ से अगर r की वैल्यू देखी जाए तो यहाँ से 2 ओम मिलेगा। यही हमारा हो जाएगा स्टूडेंट तुल्य प्रतिरोध, पूरे परिपथ में आपको इतना प्रतिरोध मिला हुआ है तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। अब और तो प्रतिरोध है नहीं, इन सबको मैंने जोड़ जाड़ के ऐसा किया तो ये हमारा तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। अब सेकंड नंबर आपसे क्या पूछा है इसमें, ये देखो सेकंड नंबर हमसे पूछा है विद्युत धारा, मतलब परिपथ में कुल धारा, बहुत आसान है, यहाँ से आपको वोल्ट यानी कि विभवांतर दिया हुआ है तो धारा तो बहुत आसान है ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ अब आप लोगों को पता है धारा ज्ञात करने के लिए बहुत आसान सी चीज, पहले सबसे पहले आप ये समझो आपका वी कितना है, वी आपको 2 वोल्ट दिया ही हुआ है, ठीक है, 2 वोल्ट दिया है। अब यहाँ से अगर 2 वोल्ट दिया हुआ है, मैंने तुल्य प्रतिरोध भी ज्ञात कर लिया है, आर बराबर 2 ओम ज्ञात कर लिया ना, एंड अगर आप यहां से धारा ज्ञात करनी है, धारा का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, ठीक है, तो धारा की वैल्यू आप बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हो, यहां से I बराबर जो होता है ओम के नियम से I बराबर V/R, और यहां से V की वैल्यू आपकी कितनी है, नीचे देख लो, V की वैल्यू हमारी कितनी है 2 ओम और आपका ये भी 2, मतलब V की वैल्यू आपका 2 वोल्ट और ये भी 2 ओम है प्रतिरोध, तो यहां से आपका 1 एम्पियर हो जाएगा, 1 एम्पियर हमारा क्या हो जाएगा, यहां से आप लोगों का 1 एम्पियर हो जाएगा विद्युत धारा, ठीक है, ये हमारा 1 एम्पियर का विद्युत धारा मिला। अब तीसरी चीज आपको यहां समझना है, तीसरा चीज हमें क्या समझना है, देखो 3 चीजें आपको दी हुई हैं, ठीक है, ये समझो ए तथा वी के बीच विभवांतर, मतलब हमें ए और वी के बीच में विभवांतर ज्ञात करना है, ए और वी के बीच में अगर विभवांतर ज्ञात करना है तो अब मैं आपको बता देता हूं, विभवांतर का फार्मूला तो सभी को पता है कि नहीं पता है, पता होगा, विभवांतर बराबर होता है धारा गुणे आपका प्रतिरोध, वी बराबर आई आर, अब V की वैल्यू आपको ज्ञात करना है विभवांतर, ठीक है, धारा हमारा कितना है, धारा आपका 1 एम्पियर है, प्रतिरोध हमारा तुल्य प्रतिरोध 2 है, तो यहां से हमें मिलेगा 2 वोल्ट, और यही 3 चीजें हमें ज्ञात भी करनी थी, बस आपका ये पूरा न्यूमेरिकल लग चुका है, काफी आसान तरीका है। आपको सरणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन पता होना चाहिए तभी आप ये न्यूमेरिकल अच्छे से लगा पाओगे, ठीक है। तो ये हमारा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स का पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में, और लॉन्ग है भी, अगर आप लोग ध्यान से नहीं समझोगे तो समझ में आने वाला है नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तभी आप लोग समझ पाओगे, आपको इसमें 3 केसेस याद करना है, ठीक है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, आपकी बुक में भी लॉन्ग में दिया हुआ है, विद्या क्वेश्चन बैंक में भी लॉन्ग में दिया हुआ है, लेकिन हर जगह लॉन्ग में है, तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन बताता हूं। देखो लिखा हुआ एक इलेक्ट्रॉन 1200 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में 2×10⁴ मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल के परिणाम की गणना करो यदि वह क्षेत्र के लंबवत हो, लंबवत क्षेत्र के समांतर हो और 30 डिग्री का कोण बनाता हो। अब 3 केसेस हैं, अगर यह क्षेत्र के लंबवत होगा तो बच्चा पार्टी यहां थीटा 90 डिग्री होगा, यहां से जो थीटा की वैल्यू होगी वो 90 डिग्री होगी, और अगर ये समांतर होगा तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, और यहां तो आपको डिग्री दी हुई है ना, 30 आपका डिग्री। अब आपको समझना है, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा, बहुत आसान लगेगा ये क्वेश्चन। तो वो सबसे पहले आप हल देखो क्या क्या दिया हुआ है, दिया क्या है, सबसे पहले आपको यहां क्यू
क्यू की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, क्यू की वैल्यू आप मतलब ये ध्यान रखना कि क्यू की वैल्यू यहाँ जो आप लोगों का इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वही होता है, ठीक है, यहाँ पर लिखा रहेगा क्यू की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को वो तो पता ही होगा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, बहुत आसान है। अब आप लोग देखो यहां से वी, वी की वैल्यू तो आप लोगों को पता है ना, वी नहीं आपको यहां से, हाँ जो आप लोगों का वेग है, वेग तो यहाँ आप लोगों का कितना है 2 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब अगला है वी, ये वाला वी, ठीक है, ये आप लोगों का जैसे चुंबकीय क्षेत्र वाला, ठीक है, तो ये आप लोगों का कितना है 1200 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये है एन से न्यूटन, ए से एम्पियर एंड ए एम्पी लिख दो या फिर चलो आप समझ गए इतना। अब आप लोग देखो यहां से आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा, क्या है फार्मूला देख लो, चुंबकीय क्षेत्र वी में वी वेग से गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल, यहां से आपको बल का एक फार्मूला बता देता हूं जो कि आप लोगों को समझना है उस चीज को, वही से आपका बन जाएगा, यानी कि F बराबर आप लोगों का हो जाएगा F, यानी कि बल मैंने लिखा है तो भी मैं लिख देता हूं क्यू वी वी साइन थीटा, यही आप लोगों का फार्मूला है, ओके यही आप लोगों का फार्मूला है, मतलब ये आप लोगों का पूरा फार्मूला। अब यहां से आप लोग करना स्टार्ट करो, पहला आप लोगों को क्या करना है, पहला हमारा है कि आप लोगों का यदि यदि आपका थीटा बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब क्या है, क्षेत्र के लंबवत, क्षेत्र के लंबवत, यहां अगर क्षेत्र के लंबवत हो, पहला क्वेश्चन तो यही पूछा ना क्षेत्र के लंबवत, तो लंबवत हो तो आप मतलब क्या करोगे, F बराबर क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻¹⁹ इंटू आप लोगों का V, V की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁴ एंड इंटू आप लोगों का V वाला यानी कि 1200, सारा मैंने लिख दिया है और यहां से साइन 90 डिग्री हो जाएगी इसकी वैल्यू, 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होता है, इतना आप याद रखना। अब यहां से एक बात समझो, यहां से आप लोग ध्यान से समझना, यहां से अगर आप इसका मल्टीप्लाई इससे कर लोगे तो आपका 3 पॉइंट, आप लोग इससे इसका मल्टीप्लाई 1.6 से 2 से करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपको पता होगा 16 × 32 यानी कि 3.2, ठीक है। अब इसका इसका आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, इससे, मतलब ध्यान से समझना, इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तीनों को, तो आप लोगों का कितना हो जाएगा 38 40, ठीक है 38 40, और यहां से आप लोगों का 10⁻¹⁹ है और यहां 10⁴ घटा लो तो फिर ये हो जाएगा आपका 10⁻¹⁵ और यहां 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। यहां आप लोग जैसे 3.84 लिखोगे ना तो यहां आप लोगों का 1 2 3 आप लोग इसमें से घटा लो 10³, तो आप लोगों का बचेगा 10⁻¹² यानी कि -12 न्यूटन, न्यूटन बस यही हमारा आंसर हो जाएगा पहला, जब इसके लंबवत हो, ये हमारा पहला केस है। अब दूसरा आपको क्या ज्ञात करना है, दूसरा वाला, दूसरा क्षेत्र के समांतर, अगर क्षेत्र के समांतर होगा तो यहां थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तब तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, कैसे देखो यहां से आप लोगों का जो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो F आप लोगों का है, ठीक है, F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है और साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0,
अगर आप 0 डिग्री, यहां से आप क्यों वी वी है, और साइन 0 डिग्री रखोगे साइन 0 डिग्री, और 0 डिग्री आपका इसकी वैल्यू होती है 0, तो सारा आपका मतलब गुणा होकर 0 हो जाएगा। तो यहां से जो एफ की वैल्यू आएगी वो आपका 0 आएगा, दूसरे में आपको ये मिलेगा। अब तीसरा आपको समझना है थोड़ा सा, यहां आपको थीटा की वैल्यू क्या रखनी है, यदि थीटा 30 डिग्री हो, 30 डिग्री, यदि थीटा आपका 30 डिग्री हो, यही तो कहा है ना यहाँ तीसरे वाले केस में 30 डिग्री का हो। अब 30 डिग्री का है तो फिर आपका हो जाएगा ना, बहुत आसान है, जो जो दिया हुआ है उसको लिख दो। हमारा सूत्र तो पता ही है, एफ बराबर क्यू वी वी, तो क्यू की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, एंड नहीं कूलम नहीं होगा, ठीक है कूलम, एंड आप लोगों का और क्या वी, वी की वैल्यू आपकी कितनी है, यहां देख लो 2 × 10⁴, तो 2 × 10⁴ लिख दो, 2 × 10⁴ इंटू एक वी, और आप लोगों का वो है 1200, और आप लोगों का साइन 30 डिग्री। अब आप लोग ध्यान से समझना, यहां से अगर आप इन सब का मल्टीप्लाई करो या ना करो, इन सब को आप लोगों को पता है इतनी चीजें, ठीक है, इसको 1200 को भी लो लो, इतनी चीजों का ये वैल्यू आपको पता है, ये वाला ठीक है इतना ही रहेगा, क्योंकि वो सारी चीजें आप मल्टीप्लाई किए हो, तो ये हमारा इतना ही रहेगा, ठीक है 3.84 × 10⁻¹². और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, यानी कि 1/2, और इसको आप काट दो 2 से, तो ये आप लोगों का हो जाएगा बराबर, आप लोगों का कितना हो जाएगा 1.92 × 10⁻¹² न्यूटन। तो ये हो गया, इसकी वैल्यू इतनी आएगी जब आप 30 डिग्री रखोगे। तो यहाँ 3 केसेस हैं, इसलिए बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। ये है हमारे आज के साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल। अब यहां आप लोगों को जितना मैंने न्यूमेरिकल बताया है, इन सबको बिल्कुल तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद भी आया होगा, और किसी में दिक्कत हो तो कमेंट कर दो, मैं आप लोगों के लिए उस पर भी वीडियो बहुत जल्द ही बना दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।